एवरीबडी पीठ सीधी रखनी है, आराम से पीछे टेका लेके बैठना है. और सर ये सब लिखा हुआ आपको नोट पे मिल जाएगा, डोंट वरी. ऐसे अपने हाथों को यूं रखना है अपने थाइस पे, बैक नाइसली सपोर्टेड रखना है. डोंट वरी मैम, इट्स ओके, आप ऐसे ही कर लीजिए. ऑन माई काउंट ऑफ थ्री सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे. 1, 2, 3 नाउ. सर फोन छोड़ दीजिए अपना, इट इज ओके, बालकनी में. हाँ जी, क्लोज योर आईज केयरफुली, ध्यान से मेरी आवाज सुनते हुए एक गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद रखनी है. आंखें तब तक नहीं खोलनी जब तक मैं कहती नहीं. सांस अंदर, बाहर. रिलैक्स योर सेल्फ, अपने आईब्रोज को ढीला छोड़े. अपने कंधे रिलैक्स्ड, काम पीसफुल. गहरी सांस लेते हुए आपका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पे. नाउ आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट योर मदर. अपनी माँ के बारे में ना सोचे, उनका चेहरा, उनकी हंसी के बारे में ना सोचे. आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट के अभी आपने क्या पहना है, मत सोचिए. अभी आपने क्या कपड़े पहने हैं उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए. एक गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स, रब योर हैंड्स, हाथों को रगड़ेंगे, चेहरे और आंखें सटाएंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे. ओके, क्या सोचा? क्या किरण जी? किरण जी सिर्फ आपने नहीं, सबने वही सोचा. जैसे ही मैंने बोला अपनी माँ की, डोंट थिंक अबाउट योर मदर, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आई वो थी मदर. करेक्ट? क्या आप उसके पहले अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे? नहीं. ये कहकर के अपनी माँ के बारे में ना सोचे, मैंने तो आपको अपनी माँ याद दिला दी. क्योंकि मैंने उनका जिक्र किया, भले मैंने बोला नहीं मत सोचो, लेकिन मैंने उनका जिक्र किया, मैंने उनका वो शब्द मेंशन किया, उसके बारे में बोला. सेम थिंग, माइंड को नहीं, अगर आपने, लोग बोलते ना कि माइंड को नहीं पता चलता क्या नहीं करना, ऐसा नहीं है. पॉइंट है कि अगर कोई चीज बोली है तो वो माइंड में आएगी. माँ के बारे में मत सोचो, पहले आती है माँ. हाँ, अब नहीं सोचा तो हटाओ, पर आ तो गई ना. बस ये गलती हम लाइफ में करते हैं. ये मेरा थर्ड पॉइंट है. अगर मैं चाहती हूँ कि आप अपनी माँ के बारे में ना सोचें, मुझे माँ का जिक्र नहीं करना चाहिए था. फिनिश्ड. जो चाहिए मुझे वही बोलना है, जो नहीं चाहिए मुझे उसका जिक्र भी नहीं करना है. अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और वो बोलता है आई एम नॉट डिप्रेस्ड, मुझे डिप्रेशन नहीं है, मन में क्या जा रहा है? डिप्रेशन. भले वो बोल रहा है नहीं है, बोल क्या रहा है? डिप्रेशन याद दिला रहा है. गेटिंग द पॉइंट? एक डिप्रेस्ड आदमी क्या नहीं करता? वो खुश नहीं होता, वो लोगों से नहीं मिलता, वो अच्छा खाना नहीं खाता, वो घर के बाहर नहीं निकलता. तो अगर एक व्यक्ति डिप्रेशन में है जिसको बाहर निकलना है, उसको ये नहीं बोलना है कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, उसको बोलना है मैं खुश हूँ, मुझे लोगों से मिलना पसंद है, मुझे अच्छा खाना खाना पसंद है, मुझे अच्छे कपड़ा पसंद पहनना पसंद है, मुझे बाहर जाना पसंद है, मुझे लोगों से मिलना पसंद है. वो बोलेगा जो उसे करना है, ना कि वो जो उसे
नहीं करना है और आपको भी वही करना है. एवरीबडी, जो चाहिए वो बोलो, जो नहीं चाहिए उसका जिक्र भी मत करो. दैट्स इट. आजकल मुझे उतना स्ट्रेस नहीं होता, आजकल थोड़ा खुशी ज्यादा है, आजकल थोड़ा आराम ज्यादा है. स्ट्रेस का शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? याद दिला रहे हो कि पहले हुआ करता था बहुत. अरे यार, फिनिश. एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग, ये लैंग्वेज होनी बहुत जरूरी है. इन सेल्फ टॉक जिसे हम बोलते हैं, ये सेल्फ टॉक होना जरूरी है. दूसरों से बात करो तो भी यही होना जरूरी है. सो दीज आर दी 2-3 पॉइंट्स. इस चीज, अगर मैं हर चीज़ को थोड़ा आसान करके समझाने की कोशिश करती हूँ, तो इसके लिए भी मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ, विच इज सबको पता है ना, क्या बोलते हैं गांधी जी के 3 मंदिर, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, बहुत इज्जत है उनकी, मैं इन 3 मंदिरों में नहीं मानती. जैसे ही मैं आपको बोलूंगी ना बुरा मत देखो, कहां पर है बताए, बुरा मत सुनो, कौन बोल रहा है, बुरा मत बोलो, बोलना क्या था क्या? इट्स अ नेगेटिव थिंग, इट विल नॉट वर्क. तो बड़ी इज्जत है उनकी, लेकिन मैंने अपने खुद के 3 बंदर बना दिए. अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो. दैट वर्क्स, आपको ये बात याद भी रहेगी. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी कंडीशनिंग सही हो, हम अपने आप को बराबर ट्रेनिंग दे. दुनिया तो बहुत स्ट्रेस दे रही है, आप तो खुद को मत दो.